कैरियस्ट व्हाट्सएप चैट। आई नो तुम्हें यही चाहिए था, बट प्लीज मेरे से नहीं होगा यार, प्लीज मेरे को मत बोला करो करने के लिए। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसा बोलूंगा? तुम्हें लग रहा है मेरे को सीरियसली डर लगता है कैरियस्ट व्हाट्सएप चैट से? नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ यार, 19 साल का हूँ मैं, इन छोटी मोटी चीजों से अगर मैं डरूंगा तो कैसे चलेगा। एंड देखो यही चीज प्रूफ करने में आ चुका हूँ एक और स्कैरियस्ट व्हाट्सएप चैट लेके, मतलब उसकी वीडियो लेके। देखो आई नो तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद है, मेरे को ही पसंद है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 11 वीडियोस बना दिए हैं। बट लास्ट वीडियो ऑलमोस्ट 8 महीने पहले आई थी, तब से तुम लोग मेरे को बोल रहे हो बस बनाने के लिए, बट मैं नहीं बना रहा हूँ, बट मैं आ गया हूँ अभी, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हम लोग ये वाली व्हाट्सएप चैट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, घोस्ट ब्राइड। भाई इसका थंबनेल ही मेरे को थोड़ा सा गंदा फील करा रहा है, बट मैं नहीं रहता मैं देखूंगा। ओके, वन नाइट, ठीक है ये रात की चैट है, मैं रणवीर मैसेज कर रहा है इसको, तेरी जान पहचान में कोई पियानो बजाता है क्या? और इसने फोटो भेजी है, ये सस्ते में मिल जाएगा। ओह, ये पियानो बेच रहा है। ओके, ये पियानो है काफी पुराना सा, एंड उसपे ये बंदा लिख रहा है, नहीं मैं तो किसी को नहीं जानता, तुझे ये कहाँ मिला? एंड इस पे रणवीर रिप्लाई करता है, उसी चर्च में यार जिसकी मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वही सर्कल पार्क के पास वाला चर्च जो कई सालों से बंद पड़ा है। ओके 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 रणवीर, हाँ यहाँ का सामान सब फेंकना ही है, तो जो थोड़ा बहुत काम का है वो छांट रहे हैं। एंड इस पे ये बंदा लिख रहा है, पता नहीं ये जगह वापस से क्यों खोल रहे हैं। एंड फिर उस पियानो के बारे में पूछ रहा है, ये पियानो कितने तक का मिल जाएगा? वैसे भाई मेरे को देखने में लग रहा है ये पियानो कुछ तो वांटेड वांटेड है, काफी पुराना सा एक चर्च में पड़ा हुआ है, मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। एंड इस पे रणवीर रिप्लाई कर रहा है, उसकी बात तो ट्रस्ट के लोगों से करनी पड़ेगी, सस्ता ही मिल जाएगा वैसे क्योंकि अभी बच नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सुधार लिया जाए तो सही हो जाएगा। ओके, एंड इस पे ये बंदा रिप्लाई कर रहा है, ठीक है मैं देखता हूँ अगर कोई बायर मिल जाए तो, डिलीवर तो तुम खुद करोगे? क्वेश्चन मार्क। भाई इतना इंटरेस्ट ले ही क्यों रहा है इस चीज में है? बट देखो शायद ये लोग ये काम करते हो, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट लिया है तो हाँ पहले भी वो सामान बेचता होगा और इसको मैसेज करता होगा तो हाँ। ओके, तो इसके कुछ मिनट बाद रणवीर का रिप्लाई आता है, एक तो वैसे ही यहाँ कबाड़ भरा हुआ है, ऊपर से जनरेटर बंद हो गया, अचानक से लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। एंड उस पर ये बंदा लिख रहा है, तुम लोग इतनी रात तक काम कर ही क्यों रहे हो? रात को हैवी काम करना ही नहीं चाहिए। रणवीर, डेडलाइन पास है विवेक, 2 हफ्ते में काम पूरा करना है, इसलिए रात को भी लगे हुए हैं, देख रहे हो कितने मेहनत कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं इनकी चैट्स पढ़ रहा हूँ। क्योंकि इस पे ये बंदा लिख रहा है, और लोग भी तो होंगे ना तुम्हारे साथ? रणवीर, 3-4 लोग हैं साथ में, लेकिन वो बाहर बाउंड्री पर काम कर रहे हैं। अब ये अंदर है इसका मतलब अकेला, गुड भाई। एंड उस पे ये बंदा लिख रहा है, उन्हीं से दिखवा लो जनरेटर। रणवीर, हाँ भाई रात के 10 बजे ये चैटें हो रही हैं, ये मेरे सोने का टाइम होता है, प्लीज। ओके, फ्यू मिनट्स लेटर, रणवीर लिख रहा है, मैंने बाहर चेक किया लेकिन कोई नहीं दिख रहा, शायद वो लोग कुछ देर का ब्रेक लेने के लिए बाहर चले गए हैं। अबे वो ऑलरेडी बाहर थे, और कितना बाहर चले गए हैं? मुझे ही लाइट चेक करनी पड़ेगी भाई, मुझे पहले ही लग रहा था ये कुछ हॉन्टेड वॉन्टेड चर्च वगैरह है, एंड अब ये ऐसा बोल के मेरी बात को कंफर्म कर रहा है। एंड उस पर ये बंदा लग रहा है, तुम्हें तो लाइट का काम ज्यादा समझ भी नहीं आता। एंड उस पर रणवीर बोल रहा है, विवेक यार बेइज्जती मत कर भाई की। एंड उसके बाद इसने जनरेटर का फोटो भेजा हुआ है, एंड बोल रहा है सब तो ठीक लग रहा है, पता नहीं चल रहा फिर ये बंद क्यों पड़ गया। भाई ये बियर्ड है, इसलिए तो कहा था कि किसी और को बुलाओ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। रणवीर, ये तो है, पता नहीं ये सब गए कहाँ। विवेक, मुझे पियानो की आवाज सुनाई दे रही है, कोई अंदर पियानो बजा रहा है। भाई 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 प्लीज 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 प्लीज, ये वही पियानो की बात हो रही है ना जो ये बेचने का बोल रहा था, और ये बोल रहा है मैं देखता हूँ बायर है, सही है भाई। नाइस। एंड इस पे ये बंदा लिख रहा है, तूने तो कहा था कि पियानो खराब है। भाई वो खराब है नॉर्मल इंसानों के लिए, भूतों के लिए खराब नहीं है प्लीज। रणवीर, हाँ खराब था यार, मैंने खुद चेक किया था, कोई साउंड नहीं था। ओके, इस पे ये बंदा लिख रहा है, शायद तुम्हारे साथ वाला कोई वापस आ गया हो जो बजा रहा है। भाई वो क्यों बजाएगा, तुम लोग समझ नहीं आ रहा है क्या, मेरी तरफ बैठ के थोड़ी बहुत फट रही है। रणवीर, मैंने तो किसी को अंदर जाते नहीं देखा, फिर भी मैं जाकर देखता हूँ। भाई प्लीज मत जा, प्लीज ऐसे काम क्यों करने, कॉल करके पूछ ले कोई अंदर है या नहीं है, अंदर जाके चेक करेगा।
देखो ये सब नहीं करना होता प्लीज, तुम कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ ऐसा मत करना, मैं तो बता रहा हूँ। इसमें ये बंदा लिख रहा है, एक काम करो तुम निकल आओ वहाँ से, सुबह देख लेना। ऑब्वियसली इस बंदे में दिमाग है, बिल्कुल मेरी तरह। रणवीर, विवेक मैंने अंदर आकर देखा, यहाँ कोई भी नहीं है, बस अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, मुझे डर सा लग रहा है। भाई निकल वहां से, पागल वागल है क्या? उसने वीडियो ही भेजा हुआ है अंदर का, भाई ये वीडियो बना रहे हैं। भाई तू यूट्यूबर नहीं है प्लीज। वीडियो ओके मेरे लिए है वीडियो, मैं यूट्यूबर हूं ना, कंटेंट यस। कुछ तो नहीं है, पियानो किधर है? पियानो नहीं था इस वीडियो में, वेट पियानो नहीं है शायद, पियानो कहीं और रखा हुआ मेरे को लग रहा है। नहीं ये अंदर कोई दूसरे रूम या दूसरी जगह पे होगा। एंड से देखने के बाद ये बंदा रिप्लाई कर रहा है, तुम्हें वहाँ अकेले नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ना वहाँ के बारे में लोग क्या कहते हैं, पहले की स्टोरीज भी हैं हॉन्टेड, और ये बंदा फिर भी वहाँ पर है। रणवीर लोग तो कुछ भी कहते हैं यार, वो सब सच थोड़ी ना होता है। एंड इस पे ये बंदा रिप्लाई कर रहा है, वो भटकती आत्मा वाली बात झूठ हो सकती है, लेकिन ये तो सच है ना कि वहाँ उस लड़की ने अपनी जान दी थी। भाई ऐसी स्टोरी किसी जगह पर है और तुम फिर भी वहां जा रहे हो रात के 10:30 बजे, भाई तुम पागल हो, प्लीज अपना ट्रीटमेंट कराओ, मेरे पास आओ यार, एंड्रियो डॉक्टर भी है। रणवीर आई नो उसकी शादी होने वाली थी इसी चर्च में, दोनों फैमिली की मर्जी से, बट शादी वाले दिन वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, उस लड़की को अल्टर पर खड़ा छोड़कर, और उस लड़की ने इसी चर्च में खुद को आई। बट ये अल्टर क्या होता है प्लीज? मेरे को नहीं पता, रुको 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 रुको, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। अ हाई टेबल दैट इज द सेंटर ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। अच्छा 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 अच्छा, वो जहाँ पे शादी करते हैं चर्च में, वो जो ऊपर वाली स्टेज होती है, वहां पर खड़ा छोड़कर वो भाग गया अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ। एंड उस पे ये बंदा लिख रहा है, हाँ उसके घर वाले तो यही सोचते रह गए कि वो बस अंदर रो रही है, पर उसने तो नींद की गोलियां खा ली थी, तब से उसकी आत्मा उसी चर्च में कैद है, वो सबको रोती बिलकती दिखाई देती थी, इसलिए इस चर्च को बंद कर दिया गया था। भाई फिर ये लोग खोल क्यों रहे हैं इस चर्च को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एंड इस पे रणवीर लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है विवेक, लोगों ने बेवजह बात का बतंगड़ बना लिया और चर्च को सड़ने के लिए छोड़ दिया। जो भी हो रणवीर तुम निकलो वहां से, बाकी काम सुबह देखना। ऑब्वियसली भाई जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। ओके इस पे रणवीर लिख रहा है, हाँ निकल रहा हूँ प्लीज। उसने इसके साथ एक फोटो भेजा एंड बोला है कि विवेक मुझे अभी अभी कोई इसके पीछे खड़ा दिखा। व्हाट, अभी ये क्या हो रहा है? एंड इस पे ये बंदा लिख रहा है, कोई भी तो नहीं है यहाँ ऑब्वियसली। एंड इस पे रणवीर रिप्लाई कर रहा है, फोटो में नहीं है लेकिन जैसे ही मैं बाहर जा रहा था मुझे इसके पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, और जब मैंने देखा तो कोई सफेद कपड़ों में वहां खड़ा था। ओ शेट भाई। एंड इस पे ये बंदा लिख रहा है, रणवीर मैंने कहा था कि वो जगह सेफ नहीं है। भाई अब ये बंदा नहीं बोल सकता प्लीज कि लोग बात का पतंगड़ बना रहे हैं, और ये भाग क्यों नहीं रहा है, चैट क्यों कर रहा है वहां से, निकल भाई। ओके रणवीर अभी लिख रहा है, सही कहा था तुमने, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, काम तो बाद में भी हो सकता है ऑब्वियसली भाई। इस पे ये बंदा लिख रहा है, हाँ ओके। सो उसी के कुछ मिनट बाद ये बंदा रणवीर को मैसेज कर रहा है, निकल आए तुम वहां से? रणवीर नहीं यार मैं बाहर आ गया हूँ लेकिन मेरी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है, वो लेने के लिए मुझे वापस अंदर जाना पड़ेगा। भाई ये बंदा निकल आया अंदर से बाहर, और इसने ऐसी चीज कर दी है कि भाई जाना पड़ेगा उसको, बाहर भी रहना सेफ नहीं है। एंड इसमें इसने और लिखा है कि और मेरे साथ वालों का भी कुछ पता नहीं है। एंड उस पे ये बंदा रिप्लाई कर रहा है, गाड़ी सुबह उठा लेना, अभी तुम पैदल ही आ जाओ। ओके ओके मेरे को ही लग रहा है कि सुनेगा। रणवीर मैं अंदर आ गया था और चाबी मिल गई है, अब जा ही रहा हूँ। ओके भाई ये बंदा अपने मन की कर रहा है, बता रहा हूँ, वो बोल रहा है पैदल आ जा, ये अंदर तब तक आ भी गया और चाबी ले ली इसने। अब देखो ये बंदा भी इस पे क्या ही बोलेगा, इसने गुड लिख दिया है। फिर ये रणवीर फिर से मैसेज कर रहा है, मुझे फिर से पीछे से वो रोने की आवाज आ रही है। भाई तू निकल प्लीज, तू मेरे को मत डरा यहाँ पे बैठे बैठे, तू मेरे को और डरा रहा है। इस पे ये बंदा लिख रहा है, मुड़ कर मत देखना। रणवीर अब आवाज चुप हो गई है, बिल्कुल सन्नाटा हो गया है विवेक। भाई तू इतना ऑब्जर्व क्यों कर रहा है? एंड इस पे ये बंदा लिख रहा है, तुम निकल क्यों नहीं रहे हो वहां से रणवीर? एंड्रेस ने एक वॉइस कॉल भी किया हुआ है 10:59 पे, एंड उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। दूसरा वॉइस कॉल मतलब 2-3 कॉल करे इसने, लिखा है हेलो रणवीर,
एंड फिर वहां से एक वीडियो आती है. ओके ओ भाई क्या था एंड इस पे ये बंदा लिख रहा है ओ माय गॉड वो क्या था एंड इस पे रणवीर लिख रहा है पता नहीं लेकिन मैं कभी वापस उस चर्च में नहीं जाऊंगा कभी नहीं. वो था क्या ओए? चर्च की मरम्मत के दौरान और भी कई वर्कर्स के साथ ऐसी घटनाएं हुई लेकिन काम पूरा होने के बाद जब वहां लोग आने जाने लगे तब से सब ठीक है. भाई 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 मैं तो ऐसी जगह पे आना जाना भी नहीं चाहूँ ठीक है. मतलब एक बार कहीं पे हॉन्टेड चीज हो गई ना आई एम आउट ऑफ इट मैं नहीं आ जा सकता वहाँ पे. बट देखो स्टोरी अच्छी थी मेरे को सीरियसली. वो जो लास्ट वाली वीडियो जो उसने भेजी थी उसमें डर लगा. मतलब इतना ज्यादा नहीं कि मैं चिल्ला पड़ू बट हाँ वो थी भाई थोड़ी सी ज्यादा ही क्रीपी ना कोई ऐसा औरत बैठी हुई है सफेद कपड़े पहन के. ओके सो आई गेस इसी के साथ आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो गया. एंड तुम लोग मेरे को बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी. अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो. बाकी मैं तो प्लस मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में. टिल देन बाय.